नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं हूं अंकुर यादव। छतरपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाइक चोरी करने वाले एक अंतरराज्यीय चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है। इस चोर गिरोह के 3 सदस्य पकड़े गए हैं, जिनमें से एक नाबालिग भी है। इन 3 चोरों से पुलिस ने 17 चोरी की गई मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। छतरपुर के पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा, खजुराहो के SDOP मनमोहन सिंह बघेल और राजनगर थाना प्रभारी अनूप यादव की मौजूदगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस पूरे मामले का खुलासा किया गया। इस पूरे मामले की जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक राजनगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक भैंस चोरी का मामला सामने आया था। राजनगर थाना प्रभारी अनूप यादव जब भैंस चोरी के इस मामले में तफ्तीश कर रहे थे, तब उन्हें एक नाबालिग चोर हत्थे चढ़ गया। नाबालिग चोर के हत्थे चढ़ने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की लिंक जोड़ना शुरू की और उसके पास मिली चोरी की एक बाइक से ये लिंक आगे बढ़ती गई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस ने इस मामले में 3 अन्य आरोपियों को भी पकड़ा, जिनमें राहुल तिवारी, हलीम खान और हनी पटेल शामिल था। हालांकि हनी पटेल वर्तमान में जेल में है, लेकिन उसके घर से भी कुछ बाइकें बरामद हुई हैं। पुलिस ने कुल मिलाकर इन चोरों के पास से 17 बाइकें बरामद की हैं, जो छतरपुर, महोबा, सागर, रीवा सहित कई जिलों से चोरी की गई थी। ये चोर सामान्य तौर पर सार्वजनिक स्थानों पर खड़ी बाइकों और विवाह घरों में खड़ी की गई बाइकों को निशाना बनाते थे। इस चोर गिरोह में पकड़े गए सबसे शातिर आरोपी हलीम खान का पिछला क्राइम रिकॉर्ड भी है। उसने छतरपुर कोतवाली क्षेत्र और महोबा कोतवाली क्षेत्र में भी पहले बाइक चोरियों को अंजाम दिया था। पुलिस के इस खुलासे के बाद सचिन शर्मा, जो कि पुलिस अधीक्षक हैं छतरपुर के, उन्होंने खुशी जाहिर की और ये जानकारी दी। छतरपुर जिले के थाना राजनगर अंतर्गत एक अपराध कायम किया गया था और उसकी विवेचना में एक अंतर्राज्यीय गिरोह जिसके सदस्य मध्य प्रदेश और UP के थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। इनसे लगभग 17 बाइकें जिनकी अनुमानित कीमत 10 लाख है, उनको दस्तयाब किया गया है। इसमें प्रमुख तौर पे 3 आरोपी हैं, इसके अलावा एक बाल किशोर है। इन सभी की जो जुडिशियल रिमांड होती है वो ली गई है और इन सभी को जेल दाखिला किया जा रहा है।